आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 सर्वनाम यानी प्रोनाउन। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयुक्त होते हैं का मतलब है कि प्रयोग होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे, हम, यह, कौन, कुछ, क्या, जो। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं हम सर्वनाम के भेद में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहले है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति,